क्या बताना चाहते हैं आप आज इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम जो है हमारे बराबर उनकी जानिब से है और इसका सिर्फ रखने का मकसद, इस प्रोग्राम को सजाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम देश को ऐसी देश जो हालात इस वक्त दुनिया में चल रही है, एक अमन का पैगाम हम दे सकें, मुतहद होने का पैगाम दे सकें, ताकि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बवाल, मुसीबतें, परेशानियाँ आजकल के लोगों पर आ रही हैं, इस स्टेज से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोगों को मुतहद होकर के काम करना है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बाद में हमको काम करना पड़ेगा, तब ये हमारा देश हमारा मुल्क है। मकसद हमारा इससे ये है और अमन का पैगाम यही हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया है, यही हम हर स्टेज से यही पैगाम देते हैं, पूरे हिंदुस्तान से जहाँ मैं हूँ या हजरत हूँ, जहाँ हम लोग जाते हैं, यही हमारा पैगाम मकसद हमारा यही होता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही पैगाम दें, वो अमन और सलामती का और भाईचारे का, कि हम लोग इंसान इंसानियत का हम लोगों को दर्श दिया गया है। उसके बाद में हम लोगों को ये चाहिए कि मज़हब के नाम पर ना बट करके हमें ये देखना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसान में हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख ईसाई सब होते हैं, तो हमें पहले इंसान बनना पड़ेगा, उसके बाद में हमें कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। हमारा मकसद ये जलसा सजाने से, महफिल सजाने से, ये जो भी प्रोग्राम होता है उससे सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है हमारा कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर होने के बाद में जो परेशानियाँ हैं मिल करके उन सारी परेशानियों का मुकाबला करें, और मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो, हम सबको भाईचारे के साथ हिंदुस्तान में रहेंगे तभी हमारा देश आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये करेंसी जो है दिन ब दिन वो घटती चली जा रही है, परेशान खासतौर पर जैसे कि आजकल का किसान, आजकल के अंदर जो जो गरीब तबका है वो और गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर तबका है वो और अमीर होता चला जा रहा है। तो हम लोगों का ये पैगाम है कि हमें मुत्तहिद होना है और मुत्तहिद होने के बाद में जो सारी की सारी परेशानियाँ, उलझने, अड़चने हैं, उन सब का मिलकर के मुकाबला करना है, ताकि हमारा देश आगे हो, हमारा देश आगे होगा तो हमारा सर बलंद होगा, यही हमारा मकसद। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान रजा है, मैं हवेली शरीफ रहता हूँ, फ़िलहाल मैं मिस्र इजिप्ट में मेरी तालीम चल रही है, मैं वहाँ एम ए कर रहा हूँ, यहाँ आया हुआ हूँ हजरत की दावत पर, मैं यहाँ आया हूँ, मुस्लिम मतलब साहब मेरे बराबर हूँ बैठे।